पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विकसित भारत संकल्प पत्र पेटी का विमोचन आज मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC सतपाल सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर विशेष गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को उसका हक मिले और जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाएं चलाकर जनता के हितों में कार्य किया है और उन्होंने जो कहा उसे पूरा किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है और हमें लगता भी है जो जनता, क्योंकि हम एक नारा देते हैं, हम बोलते हैं तो जनता दो कदम आगे बोलती है। अब जैसे कि हमने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाए, ये देश की, भारतवर्ष की इच्छा थी, उसको पूर्ण किया। तो उसी को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लिया है कि भी हमने 370 आए तो 370 जनता भी चाहती है कि ये स्मरण रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कहा कि 370 ये जो हटाई है ये हम सरकार बनाएंगे तो हम इसको वापस लाएंगे। तो मोदी जी ने कहा 370 इस पर देश के लोग अपना मत देंगे, कभी भाजपा को 370 से अधिक सीटें ये भाजपा को देंगे, तो ऐसा भाजपा ने भी उसको दोहराया है। और NDA जो गठबंधन मिल करिए 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का ये संकल्प दोहराया गया। और हमने दोहरा रहे, पूरे देश की जनता दोहरा रही है ये 400 पार का। हम किसी कार्यकर्ता से, जनता से भी पूछते हैं, अभी बूथ अध्यक्षों का संवाद चल रहा है, 3-4 महीने से मैं भी बात करता हूँ हर रोज दो, तो हम बूथ अध्यक्ष से बात करते हैं तो वो अगला नारा अपनी तरफ से कहते हैं, भाई साहब बूथ हमारा बढ़िया है और अब की बार तो 400 पार। तो आज का क्या कार्यक्रम रहा आज के समय? आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम जो देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं, तो हम जनता से सुझाव लेकर, जनता की राय लेकर, चुनावों में घोषणा पत्र संकल्प पत्र बनाया जाता, भाजपा उसको संकल्प पत्र कहती है, तो सबके सुझाव कि देश को और हम किधर लेकर जाएं, हम सही रास्ते पे हैं, देश की समस्याओं को हम समाधान करने में सफल हुए हैं। 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल रहा है, संगठन और सरकार का दोनों मिलकर देश की सेवा करी है, समाज की सेवा करी है, तो उस दिशा में आज मुरादाबाद जनपद में भी हमने एक लॉन्चिंग की है कि सब जनता से, हर विधानसभा भाई सब कार्यकर्ताओं से उसमें संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेंगे, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके माध्यम से भी मेरा सम्मानित जनता से आग्रह है, निवेदन है कि निश्चित रूप से भाजपा के संकल्प पत्र को बनाने के लिए अपना योगदान, अपना सहयोग प्रदान करें और अपने जो भी बहुमूल्य सुझाव हैं, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और देश की सरकार को मार्गदर्शन करें कि सरकार वाकई में जो काम कर रही है, मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं, योगी जी ने जो संकल्प लिए हैं, वो वाकई में सही काम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं गिरावट है, कहीं कमी है, तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए, ये भी संकल्प पत्र में दे सकते हैं, और क्या जोड़ा जाए। तो इस नाते, क्योंकि भाजपा का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के, सबके सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी ने खुद संकल्प लिया है, सपने सबके, लेकिन संकल्प मोदी जी का, तो उनको साकार करने की दिशा में सरकार अच्छे काम, और मुझे लगता है कि देश को जो मोदी ने संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।